झारखंड के हजारीबाग जिले से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जिससे सभी लोग हैरान हैं और बेशक इस खबर को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के दक्षिणी बरकट्ठा पंचायत में एक ही पंचायत में 45 दिन के भीतर अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई बीमारी के कारण असमय काल की गाल में समा गया, तो कोई सड़क दुर्घटना में, तो किसी की इलाज के दरमियान अस्पताल ले जाने के दरमियान उसकी मौत हो जा रही है। मरने वालों में बच्चे, गर्भवती महिला, अधेर, बुजुर्ग और नवजात शिशु भी शामिल हैं। अचानक हो रही इस प्रकार से मौतों ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दी है। लोग डरे सहमे हुए हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि लोगों की बात करें तो कुछ लोग इसे भूत प्रेत का साया बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे देवी देवताओं का प्रकोप बता रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि, आपको बता दें कि हजारीबाग के बरकट्ठा दक्षिणी पंचायत, जो यह जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है, यहां पर शमशान में अंतिम संस्कार के बजाय एक अलग स्थान को चयनित करके वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, और तभी से इस प्रकार की स्थिति आई और एक के बाद एक अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। लोग पूजा पाठ के शरण में यज्ञ करवा रहे हैं और तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो यह भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है और मौत का तांडव लगातार चल रहा है, उससे निजात मिल पाए। लोग विशेषज्ञों के सहारे ले रहे हैं, लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं, यज्ञ कराने की भी तैयारी कर रहे हैं, और वहीं शमशान स्थल की जो बातें हैं कि वहां पर भी अतिक्रमण किया गया था, जिसके कारण कि स्थल को बदल कर और वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसको अतिक्रमण मुक्त कराने में भी लोग लग गए हैं और लोग बेहद ही डरे हुए हैं। अभी तक इस मौत का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। आप डरे सहमे गांव के लोगों की बातों को सुने कि किस प्रकार से उनके अंदर डर है और क्या कुछ वो कहते हैं। 45 दिन और 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये अभी काफी, मतलब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। तरह तरह की बातें हैं, जैसे वो शमशान घाट भी यहाँ पर था, कुछ जगह से हट के दूसरे जगह बना दिया, उसका भी कुछ प्रभाव है। 45 दिनों के अंदर 16 लोगों की मौत हुई हमारे गांव के गड़बड़ी कारण, कहीं न कहीं शमशान घाट पे एक जगह दूसरे स्थान पर जलाने के कारण यह घटना घटी है। उसमें कई बच्चे हैं, कई नौजवान हैं जिनकी शादी विवाह भी नहीं हुई है। अनावश्यक, मतलब कि किसी कोई 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 ने कोई बहाना, मतलब कि निकल जाता है और उसकी डेथ हो जाता है। तो इससे लोगों में लग रहा है कि कुछ न कुछ देवी देवता या फिर हमारे प्रकृति के साथ में कोई न कोई छेड़छाड़ हुआ है, जिसके कारण इस तरह का घटनाएं जो है सो घटते जा रही है। कुछ बातें थी, आपका शमशान घाट का था, तो शमशान घाट के रास्ता रुका हुआ था, उसका रास्ता हम लोग बनवाए और जितना भी जगह सफाई थी, गंदगी फैला हुआ था, उसको हम लोग सफाई करवाया हम लोग। आपने सुना इस पंचायत के डरे सहमे लोगों को कि किस प्रकार से इस जारी मौत के तांडव से पूरे गांव में भय का माहौल है और यह खबर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक ही पंचायत के 45 दिनों के अंदर में इतनी 18 मौतें हो जा रही है। कोई लोग इसे आत्माओं का और प्रेतों का साया बता रहा है, झाड़फूंक के शरण में जा रहा है, तो कोई देवी देवताओं की नाराजगी बताते हुए पूजा पाठ और यज्ञ कराने का सलाह दे रहा है, भगवान के शरण में जा रहा है, और कुछ लोग शमशान में परिवर्तित स्थल जहां पर कि अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उस वजह से भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने का कारण बता रहा है। हालांकि वजह क्या है इसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन लोग एक और धार्मिक आस्थाओं के तहत पूजा पाठ और यज्ञ में लगे हैं, तो दूसरी ओर अतिक्रमण को भी मुक्त कराने में लगे हैं। लेकिन देखने वाला बात यह होगा कि क्या इन सबों से मौत का तांडव रुक जाता है या फिर यह सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहेगा।